प्रदेश सरकार द्वारा रेडीमेड व कपड़े पर जीएसटी बढ़ाए जाने के विरोध में वस्त्र व्यापारी संघ द्वारा मंगलवार से 3 दिन तक अपने दुकानों की लाइट बंद कर लोटा और थाली बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मंगलवार को सभी वस्त्र व्यापारियों ने जीएसटी बढ़ोतरी के विरोध में अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें शाम 7 बजे से 20 मिनट तक दुकानों की लाइट बंद कर दुकानों के बाहर खड़े होकर थाली और लोटा बजाकर जीएसटी में बढ़ोतरी का विरोध किया। विदित हो कि केंद्र सरकार ने कपड़ा व रेडीमेड गारमेंट पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दी है, जिसका विरोध प्रदेश भर में कपड़ा व्यवसाय कर रहे हैं। वस्त्र व्यापारी संघ के जिनेंद्र डोसी ने बताया कि अब तक जो जीएसटी 5% लगता था उसमें केंद्र सरकार द्वारा बढ़ोतरी करते हुए 1 जनवरी से 12% लागू किया जा रहा है। इससे व्यापारियों पर तो भार पड़ेगा ही, आम उपभोक्ताओं पर भी भार पड़ेगा और कहे ना कहे व्यापारिक टैक्स चोरी पर भी मजबूर होगा। इसको लेकर पूर्व में भी हमारे प्रतिनिधि मंडल सरकार से मिले थे, परंतु व्यापारियों के पक्ष में सरकार द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया, जिसको लेकर आज व्यापारियों द्वारा 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें मंगलवार से लेकर गुरुवार तक प्रतिदिन शाम 7 से 7:20 तक अपनी अपनी दुकानों की लाइट बंद कर दुकानों के बाहर थाली कटोरी बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि हमारी ताली और थाली की आवाज केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचे और बढ़ाए गए जीएसटी में हमें राहत प्रदान की जा सके। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो भविष्य में हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसमें धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन भी आयोजित किए जाएंगे। यदि सरकार को टैक्स में बढ़ोतरी करनी ही है तो जहां से कपड़ा बनता है और बड़े उद्योगपतियों पर 1 से लगाया जाए और छोटे दुकानदारों एवं व्यापारियों को इंस्पेक्टर के से मुक्त रखा जाए और जिससे सरकार को अच्छा बेनिफिट होगा। ऐसा है, केंद्र सरकार ने जीएसटी जो अब तक 5% लगता था 1 जनवरी 2022 से नोटिफिकेशन जारी करके उसको 12% कर दिया। 12% करने से आम उपभोक्ता को सामान महंगा मिलेगा, परेशान हो जाएंगे। जो आज हमारा व्यापारी बहुत अच्छे से व्यापार कर रहा है उसमें रुकावट पैदा होगी। मैं इसके कारण बताना चाहता हूँ। एक सामान्य नियम है, जब जब टैक्स ज़्यादा लगेगा तो लोगों की टैक्स देने में रुचि कम होगी, यानी कि कर चोरी निश्चित रूप से होगी। क्यों होगी? 5% के अंदर भी हम लोग परेशान हो रहे हैं व्यापार करने में, तो 12% में तो देने का सवाल ही नहीं। फिर क्या होगा? जो ईमानदार व्यापारी है, जो टैक्स देकर के व्यापार कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस व्यापार से बाहर हो जाएगा या वो कहीं ना कहीं चोरी करने के लिए प्रेरित होगा। हम नहीं चाहते। आज हमारा पूरा देश का व्यापारी ईमानदारी से टैक्स दे रहा है, इसके कारण लाखों करोड़ रुपया सरकार को प्रति माह मिल रहा है। और मैं आपको निश्चित आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस वृद्धि से सरकार को फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान होगा। ये कपड़े पर भी है, ये रेडीमेड पर भी है, जूता भी है। रोटी, कपड़ा, मकान एक आवश्यक वस्तु के अंदर आता है। जब जीएसटी का प्रारूप चल रहा था उस वक्त भी हमने विरोध किया था। विरोध इस बात का है कि सरकार हमारे सामने बताए कि आपका प्रारूप क्या है, आप करना क्या चाहते हो, इसमें जो विसंगतियां हमको दिख रही है क्या वो रहेगी या हमारे हिसाब से ठीक ठाक होगी। हमें केंद्र सरकार ने उस समय आश्वासन दिया, आप निश्चिंत रहिए, जो सबसे निम्न दर होगी वो हम लगाएंगे, उस पर हम आपको लगाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम मान करके चलते थे 2 या 3% जीएसटी लग करके हमारा सारा कामकाज ठीक हो जाएगा, लेकिन सरकार ने उसके बाद भी 5% लगाया। हमने देश हित में, लोक हित में केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए 5% स्वीकार किया और हम बहुत अच्छे से व्यापार कर रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ ही नहीं है। तो 12% लगाने के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पर व्यापारी नाराज है। और कहने को ये कहा जाता है कि भाई व्यापारी वर्ग कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की के साथ में अपना मत या अपनी विचारधारा रखता है। आप इस प्रकार का कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें भी विभाजन होगा, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, व्यापार बराबर चले, आम जनता पर इसका भार नहीं पड़े, महंगाई की वृद्धि नहीं हो, इसलिए अविलंब इसको वापस लिया जाए। इसके साथ साथ मेरा एक सुझाव है, वो सुझाव महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो उसको अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश में फैला सकते हैं। हम चाहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट बिंदु पर टैक्स लगे, जहां से कपड़ा बनता है,
धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़े से उसमें डाइड होगा, तो वहाँ से कपड़ा जब निकलता है जो आपको लगाना है वहाँ लगा दो और आम व्यापारियों को कपड़ा उसी भाव में जाने दो। आप निश्चित रूप से मान करके चलिए कि सरकार को बहुत राहत मिलेगी। अभी आपको लाखों व्यापारियों को संभालना पड़ता है, उस समय आपको सैकड़ा हजार व्यापारियों को, हजार उद्योगपतियों को संभालना पड़ेगा और टैक्स भी आपको अच्छा मिलेगा। इस कार्य पर सरकार को कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करना चाहिए, ये मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है। इस पर आगे बढ़ें, जो अर्थशास्त्री हैं जो इस मामले में समझते हैं बैठे टेबल पर, उस पर स्टडी करें। उस स्टडी के अंदर हमारे व्यापारी जनप्रतिनिधि हैं सेंट्रल लेवल के ऊपर, उनको साथ बिठाएं। एक सीधा सीधा फार्मूला है, आप यदि कोई भी प्लानिंग करते हो उसमें आम जनता या व्यापारी को भागीदार बना लो तो आपकी समस्या ही हल हो जाएगी। सर अभी किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन आप लोगों द्वारा किया जा रहा है? अभी हमारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, मंगलवार बुधवार गुरुवार तीन दिन हमारे 7 बजे से लेकर 7:20 तक दुकानें लाइटें बंद रहेगी और वहाँ पर हम घंटी और ढोल ढमाका और बजा करके, ये हमारे पीछे उद्देश्य है कि आम पब्लिक को पता लगना चाहिए कि यार व्यापारी क्यों ढोल बजा रहे हैं, व्यापारी थाली क्यों बजा रहे हैं। प्रेस को मालूम होना चाहिए कि आखिर व्यापारियों की डिमांड क्या है, उसके हमारे प्रति जस्टिफाई कौन करेगा। आप तो हमारे चौथे स्तंभ भाई साहब, हमारी बात को आप अच्छे ढंग से लिखेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के जूं रेंगेगी और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा त्रिदिवसीय कार्यक्रम है, इसके बाद में हमारी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, हम आने वाले समय में धरना प्रदर्शन रैली निकाल करके बड़े रूप के अंदर पूरे देश में हमारा कार्यक्रम चलेगा। अभी हमारा फिलहाल ये कार्यक्रम है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ मीडिया से, हमारी बात को आप अच्छे से लिखें और केंद्र सरकार तक पहुँचाएं ताकि हमें राहत मिले। सर आपका नाम और पता? जिनेंद्र डोसी, नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।